हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी में यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप भी यूजीसी नेट से रिलेटेड कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट नंबर 7 से रिलेटेड है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आरबीआई। फर्स्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट मींस आरबीआई। आरबीआई इज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड एक्ट इज 1934। आरबीआई स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आरबीआई हमारा क्यों आया था और इसको क्यों लाया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी लाने की। ओके, 1934, इससे पहले हमारी कुछ एक बॉडी थी जो क्या आरबीआई की जगह पर काम करती थी। बॉडी का नाम क्या था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बॉडी बनाई गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। ओके, 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया, न्यू बैंक एस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेम इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको क्वासी सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया। इट मींस इसको ये बोला गया कि आप सेंट्रल बैंक तो नहीं हो, लेकिन सेंट्रल बैंक की जो भी वर्किंग होगी, जितने भी काम होंगे सारे, वो कौन करेगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, इसी बैंक को 1955 में नेम चेंज करके बना दिया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर। इट मींस SBI का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए कि SBI को पहले क्या नाम था SBI का, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज SBI द ओल्डेस्ट नेम। एंड हमारा आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट कब एक्ट आया हमारा? 1935 में, 1921 से 1955 के बीच में 1934 आरबीआई एक्ट बनाया गया। ओके, अब ये जान लेते हैं आरबीआई एक्ट बनाया क्यों गया। देखो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी क्या लगा गवर्नमेंट को कि नहीं, ये सही नहीं है, हमें एक प्रॉपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाना चाहिए, इंडिया का एक प्रॉपरली एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। उसके लिए 1926 में रिकमेंडेशन हुई हिल्टन कमीशन, हिल्टन कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन भी बोल दिया जाता है, रॉयल कमीशन। ओके, ये एक कमीशन बनाया, कमेटी बनाई गई, हिल्टन कमीशन एंड रॉयल कमीशन 1926 में, जिसमें जिसने रिकमेंडेशन किया कि आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होना कंपल्सरी है, जरूरी है, क्योंकि सारे काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक के नहीं कर सकता था। इन्होंने आरबीआई की रिकमेंडेशन दी कि आरबीआई एक्ट बनना चाहिए जो कि ऑल ओवर इंडिया पे सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाए। 5 मार्च 1934 को आरबीआई एज ए एक्ट के रूप में बनाया गया। बट इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इसने वर्किंग कब स्टार्ट की, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1935 को। देन हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, हेडक्वार्टर इट्स मुंबई। जब हमारा आरबीआई एक्ट बना 1934, उस टाइम पे हेडक्वार्टर क्या था? कलकत्ता। उस टाइम पे हेडक्वार्टर कलकत्ता को बनाया गया था, बट बाद में चेंज कर हेडक्वार्टर क्या बना दिया गया?
मुंबई बनाया दिया गया। नेशनलाइजेशन मीन्स पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। आइए हम समझते हैं कि नेशनलाइजेशन है क्या। आरबीआई नेशनलाइज वन फर्स्ट जनवरी 1949। देखो जब हमारा आरबीआई बना 1934 में एंड एस्टेब्लिशमेंट हुई फर्स्ट अप्रैल 1935, उस टाइम पे हमारा आरबीआई क्या था, आरबीआई एज ए प्राइवेट बैंक, आरबीआई एज ए प्राइवेट बैंक। इट मींस क्या है, जो आरबीआई की अथॉरिटी थी, जो पावर थी, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में थी, और जो प्राइवेट बॉडी है उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट। प्राइवेट बॉडी का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट। इट मींस जो भी अथॉरिटी थी हमारी आरबीआई की, जो उसके ऊपर वर्किंग करती थी, वो सिर्फ ओनली ओनली अपने प्रॉफिट के लिए वर्किंग करती थी, पब्लिक पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर गवर्नमेंट को लगा कि जो आरबीआई है उसको नेशनलाइज किया जाए, इट मींस क्या, उसको गवर्नमेंट के हाथों में लिया जाए, उसकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो उसकी पावर अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट के हाथों में आए। फिर उन्होंने एंड गवर्नमेंट ने 1949 को आरबीआई के होल शेयर परचेज कर लिए, किससे, प्राइवेट लोगों से। ओके, प्राइवेट जो अथॉरिटी थी उनसे आरबीआई के सारे शेयर परचेज करके गवर्नमेंट ने अपने, जब गवर्नमेंट रिजर्व आरबीआई को परचेज किया गया, उस टाइम आरबीआई की कैपिटल थी 5 करोड़, इट मींस 5 लाख शेयर 100 ईच। ये जो प्रॉपर्टी थी 100 शेयर ईच, 5 लाख शेयर, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, शेयर 100 थे लेकिन गवर्नमेंट ने इनको 116 ईच शेयर, गवर्नमेंट ने क्या किया 116 रुपए में पर शेयर के हिसाब से प्राइवेट से सारे शेयर परचेज कर लिए। इट मींस अब क्या हुआ, ये इट इज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, क्या बन गया, ये हमारा प्राइवेट से गवर्नमेंट के हाथों में आ गया, और ये बैंक नेशनलाइज हुआ आरबीआई कब, 1 जनवरी 1949 को। क्लियर हो आपको कि आरबीआई एक्ट है क्या, नेशनलाइज क्या है। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। देन गवर्नर ऑफ आरबीआई, एट प्रेजेंट जो गवर्नर है हमारे वो है शक्तिकांत दास, जो 2018 से एट प्रेजेंट तक आरबीआई के गवर्नर है। एंड फोर अदर डिप्टी गवर्नर्स, एक आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास एंड फोर अदर डिप्टी गवर्नर्स हैं, जो कि एट प्रेजेंट आरबीआई के लिए वर्किंग करते हैं। और जो आरबीआई का गवर्नर है वो 5 ईयर के लिए नॉमिनेट किया जाता है, 5 सालों के लिए चुना जाता है। ये हमने किया आरबीआई से रिलेटेड हिस्ट्री एंड एट प्रेजेंट तक आरबीआई के गवर्नर। आगे हम बात करते हैं सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। ये हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया, हर बार आता है कि आरबीआई की कौन कौन सी सब्सिडरीज है। ये एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, 2022 की। एट प्रेजेंट सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई 5 सब्सिडरी, फर्स्ट इज DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्रेडिट गारंटी। इट मींस ये किससे रिलेटेड वर्किंग करती है, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। बाय चांस किसी पर्सन ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं और अगर वो बैंक फेलियर हो जाता है
तो उसके क्रेडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? DICGC बॉडी. ओके क्लियर हुआ. BRBNMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड. ओके थर्ड वन इज रिबेट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. फोर्थ इज IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस. फिफ्थ नेम इज RBIH रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन हब. ओके ये था हमारा टॉपिक RBI. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.